स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है स्टोरीज का, नाम है द मुंबई म्यूजिशियन। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टोरी दी है तो हम पहले स्टोरी देख लेते। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले स्टोरी क्या है। जो एक डोंकी है, तो डोंकी वो एक फार्मर में बहुत टाइम से काम कर रहा था। ओके, तो डोंकी का तो काम क्या होता है कि अपने पीठ पे भारी भारी वजन उठा के और इधर से इस गांव से उस गांव वो माल की सप्लाई, मतलब इधर से उधर इसका माल यहाँ पे पहुँचाना, इसका माल यहाँ पे पहुँचाना। ओके, तो जो डोंकी था वो बहुत टाइम से एक फार्मर में काम करता था और वो बहुत ही टायर्ड, मतलब और बहुत ही थक भी गया था और बहुत ओल्ड भी, मतलब वो बुढ़ा भी हो गया था। तो जो उसका, मतलब जो उसके क्या बोलते हैं कि फार्मर जहाँ पे काम करता था, तो वहाँ फार्मर के जो मालिक थे उसने डोंकी को बोला कि ये ले तू अपनी वो एक पोटली और तू जाके पूरी दुनिया देख के आ और तेरी उम्र, मतलब तू अब बुढ़ा भी हो गया। ओके, तो अभी जो तेरी लाइफ बची, मतलब तेरी जो उम्र अभी थोड़ी बची हुई है, तो तू अभी थोड़ी दुनिया तो देख ले। तो डोंकी को म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक मतलब उसको बजाना बहुत पसंद था। ओके, तो उसको सितारा बजाना और पियानो, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसे बजाना बहुत ही पसंद था, मतलब उसको म्यूज़िक बहुत ही पसंद था। तो उसको लगा कि मैं इस गांव को छोड़ के मैं मुंबई तरफ जाए। तो वो मुंबई की तरफ जा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं मुंबई जाके एक बड़ा सा म्यूजिशियन बनूँगा, मतलब सभी इंस्ट्रूमेंट्स में सीखूँगा और फिर मैं वहाँ का बड़ा ही म्यूजिशियन बन जाऊँगा। जब वो उस रास्ते से जा रहा था तो बीच में उसे एक डॉग मिल गया। ओके, जिसका नाम था डुफू। ओके, तो उसने बोला कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए। तो डॉगी ने बोला कि मुझे भी पसंद है म्यूज़िक, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो वो डॉग भी गया। फिर जब डॉग और डोंकी जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक बॉल जैसा दिखा जो रास्तों के बीचों बीच पड़ा हुआ था। लेकिन उन लोगों ने नज़दीक जाके देखा तो वहाँ पे कैट थी। तो कैट तो जब सोती है तो पूरा हमारा बॉल जैसा दिखता है ना, तो लेकिन वो बॉल नहीं था, वो एक थी कैट। तो डोंकी और डॉग ने बताया कि हम दोनों मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम्हें भी म्यूज़िक पसंद है। तो कैट ने बोला यस, मुझे भी म्यूज़िक पसंद है। तो कैट भी उसके साथ मुंबई गई। फिर डोंकी, डॉग और कैट जब जा रहे थे मुंबई की तरफ, तो बीच में उसे एक हैन, मतलब एक चिकन मिल गया, मतलब एक हैन मिल गया। ओके, तो उससे भी पूछा तो उसने भी बोला कि यस, मुझे भी म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं भी आप सबके साथ चलता हूँ मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए। जब वो लोग मुंबई पहुँच गए और बहुत ही थक गए थे, तब वो एक बहुत ही बड़ा हाउस, मतलब एक लाइट वाला पूरा हाउस था, तो वहाँ पर उन लोग पहुँच गए। और जब उन लोगों ने खिड़की से देखा तो अंदर तो बहुत ही टेबल पे डिलीशियस खाना था, मतलब एक यमी यमी सब खाना, स्वादिष्ट सब भोजन पड़ा हुआ था टेबल पे। तो डोंकी और इन लोगों ने एक आइडिया आया कि हम लोग एक काम करते हैं कि हम एक म्यूज़िक सॉन्ग गाएंगे, जो एक गाना गाएंगे, ताकि ये लोग हमें सुन के थोड़ा कुछ खाना दे दे। ओके, तो डोंकी, डॉग, कैट और हैन ने तो गाना स्टार्ट कर दिया। बट जो अंदर वो घर के अंदर जो लोग डिनर कर रहे थे, तो उन लोगों को तो सडनली डर गए, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ये तो भूत की आवाज़ है। तो वो लोग इधर से उधर भागने लगे। और जब वो लोग भाग गए तो डोंकी, डॉग, कैट और हैन वो सब उस घर के अंदर चले गए और जो टेबल पे यमी यमी खाना था वो उन लोगों ने खा लिया। तो वो सब क्यों भागे, क्योंकि इन लोगों का गाना बहुत ही बेसुरा था। ओके, इन लोगों को गाना गाना नहीं आता था, इसलिए उन लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई भूत आ गया है जो इसकी आवाज़ है, इसलिए वो लोग भाग गए और उन लोगों का जो खाना टेबल पे पड़ा था वो लोग इन लोगों ने खा लिया। तो ये थी हमारी स्टोरी। ओके, तो अब हम फिर से लाइन वाइज देखेंगे। ओके, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गुप्पू। जो एक डोंकी था उसका नाम क्या था, डुप्पू।
ही हैड वर्क फॉर मैनी ईयर्स इन हाउस ऑफ फार्मर। तो जो डोंकी था, जो गुप्पू था, गुप्पू मतलब डोंकी, डोंकी का नाम क्या था, गुप्पू। जो गुप्पू था वो बहुत मतलब बहुत सालों से एक फार्म एक हाउस में काम करता था, मतलब एक फार्मर में। ओके, ही हैड कैरी मैनी हैवी सैक एंड कॉर्न एंड शुगर कैन। तो वो अपनी पीठ पे बहुत भारी भारी कॉर्न और शुगर कैन मतलब वो सब उठा के अपने पीठ पे वो भार उठाता था फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री, और वो फार्म से लेके फैक्ट्री तक लेके जाता था। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ऑल, वो बहुत थक गया था और बहुत ही ओल्ड मतलब बहुत बुढ़ा भी हो गया था। द फार्मर सेड टू गुप्पू, फिर जो फार्मर था उसने बोला कि गुप्पू यू आर अ गुड डोंकी, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। तो जो उसका मालिक था फार्मर का, तो उसने गुप्पू को बोला कि गुप्पू तू बहुत ही अच्छा डोंकी है, तो अब तू एक काम कर, कुछ शेक और कॉर्न अपने पोटली में बांध ले और जा तू पूरी दुनिया देख ले, क्योंकि अब तू बहुत ही बुढ़ा हो गया है, ताकि और भी ज़्यादा तू हो जाए उससे पहले तू कुछ घूम के आ और पूरी दुनिया तू देख के आ। तो गुप्पू स्माइल करते हुए एंड से बोला उसने कि गुड बाय, ही सेट ऑफ टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई, और वो स्माइल करता हुआ गुड बाय बोलते हुआ गुड बाय बोला और वो मुंबई की तरफ चल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूजिक, उसको म्यूजिक बहुत पसंद था। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, तो वो मुंबई की तरफ जाने लगा और उसे लगा कि मैं मुंबई जाके एक बड़ा ही म्यूजिशियन बनूंगा, और वो जा रहा था तो मीट अ डॉग, तो उसको बीच में क्या मिला, डॉग। फिर वेर आर यू गोइंग आस्क्ड डुप्पू, डुप्पू किसका नाम था, डॉगी का। ओके, जो डोंकी था उसका नाम गुप्पू था और जो डॉग है उसका नाम डुप्पू। तो डुप्पू ने मतलब डॉग ने पूछा कि वेर आर यू, तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो जो गुप्पू था मतलब डोंकी था उसने बोला कि आई एम गोइंग टू मुंबई बी अ म्यूजिशन, वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गुप्पू। तो गुप्पू ने मतलब डोंकी ने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशन बनने के लिए, कि क्या तुम आना चाहते हो, कि तुम क्या मेरे साथ आओगे, ये किसने पूछा, गुप्पू ने। ओके, तो जो डुप्पू मतलब डॉग था उसने बोला कि यस आई वुड, रिप्लाई डुप्पू। ओके, तो डॉगी था उसने रिप्लाई दिया कि यस मैं चलूँगा। ऑफ वेन द टू फ्रेंड ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, वो दोनों फ्रेंड डस्टी मतलब पूरी धूल मिट्टी वाला जो रोड था, डस्ट वाला वो रोड से वो जाने लगे। ओके, दोनों फ्रेंड एक साथ निकल पड़े। दे सॉ अ बॉल फॉर फर इन द मिडल ऑफ द रोड, तो उसको एक बॉल दिखा जो रोड के बीचों बीच था। हु आर यू दे आस्क्ड, आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। लेकिन उन लोगों ने जब नज़दीक जाके देखा तो कौन था, फरी, फरी मतलब एक कैट थी जिसका नाम था फरी। ओके, तो वो एक कैट थी। वुड यू लाइक टू कम विद अस बिकम अ म्यूजिशियन, तो आज गुप्पू एंड डुप्पू टुगेदर, उन लोगों ने भी फरी से पूछा कि क्या तुम मुंबई आना पसंद करोगे हमारे साथ म्यूजिशियन बनने के लिए, गुप्पू और डुप्पू ने पूछा। फिर है ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। तो जो कैट मतलब फरी थी उसने बोला यस मैं भी आना चाहूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है म्यूजिक। सो वेंट द थ्री टुगेदर बी टू बिकम, तो अब तो तीन लोग हो गए थे मुंबई आने के लिए। मुंबई म्यूजिशियन सन दे मेट कुकू द कुक, तो उसको बीच में अब कौन मिला था, कुकू, जिसका नाम था कुक। आई लव म्यूजिक एंड विश द जॉइन योर बैंड, तो उसने भी बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ मतलब आपका जो बैंड है मतलब आप लोगों का जो ग्रुप है उसको मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी म्यूजिक बहुत ही पसंद है। दे ऑल रीच अ हाउस विथ अ लाइट डे, वो लोग मुंबई पहुँच गए और
वो मुंबई पहुंचने के बाद उसको एक हाउस मिला, मतलब एक हाउस दिखा, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हाउस था और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट थी वहाँ पे और बहुत ही अच्छा हाउस था। दे वे टायर्ड एंड हंग्री, तो पूरे थक गए थे और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। दे पिक एंड क्राउड द विंडो, तो वो लोग विंडो के अंदर झांकने लगे। एंड सो टेबल विथ द डिलीशियस फूड, उसको क्या दिखा दिया विंडो में से कि जो टेबल था और टेबल के ऊपर डिलीशियस मतलब एक यमी यमी सब खाने मतलब स्वादिष्ट खाना था। दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे आर म्यूजिशन, तो उन लोगों ने डिसाइड किया आपस में कि हम लोग गाना गाते हैं, जो अंदर ये सब है वो हमें सुन के बाहर आएंगे। फिर दे सिंग द पीपल इनसाइड शाउट दैट घोस्ट एंड कम टू स्केयर देम, तो उन लोगों ने जब ये गाना स्टार्ट किया तो जो सभी घर के हाउस जितने भी लोग थे वो इधर से उधर भागने लगे। They ran away as fast as they cloud, तो वो लोग इधर से उधर भागने लगे। उसको लगा कि भूत आ गया है, मतलब भूत आए हुए हैं जो इसकी आवाज़ आ रही है। तो डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड ईट द फूड टिल दे क्लाउड इट नो मोर, तो वो लोग जब इधर से उधर भाग गए सब लोग तो गुप्पू डुप्पू एंड फेरी वो सब हाउस के अंदर चले गए और जितना भी खाना था उन लोगों ने सभी खाना खा लिया और कुछ भी उन लोगों ने बचाया नहीं। ओके, तो ये सब क्यों भाग गए, क्योंकि इन लोगों का गाना बहुत ही बेसुरा था, इन लोगों को गाना गाता मतलब गाना गाना इन लोगों को आता ही नहीं था, कुछ म्यूजिशियन भी नहीं आता, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं आता था बजाने, और ये लोग बहुत ही बेसुरा गाना गा रहे थे। तो वो सब जो अंदर सब लोग थे घर के अंदर, तो उन लोगों को लगा कि ये भूत की आवाज़ है, यहाँ पे भूत आ गया, तो इन उस डर से वो सब भाग गए और इन लोगों को यम्मी डिलीशियस खाना मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। ओके, तो नीचे यहाँ पे कुछ हमें न्यू वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है टायर्ड मतलब थकना, फिर है म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, फिर तो झांकना, डिलीशियस मतलब टेस्टी, गुस्ट मतलब भूत, एंड स्केयर मतलब डरना। ओके, तो यहाँ पे आपको जो न्यू वर्ड दिए वो आपको लिख के और लर्न करना है। फिर है नेक्स्ट रीडिंग इज फ्रॉम, तो यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन दिए तो इसका हम सॉल्यूशन कर मतलब हम देखेंगे इसका आंसर कि व्हाई डिड द फार्मर टेल गुप्पू टू सी द वर्ल्ड, तो इसका आंसर रहेगा द फार्मर टोल्ड गुप्पू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज अ गुड डोंकी एंड वॉज ऑल्सो गेटिंग ओल्ड। ओके, तो बहुत ही अच्छा डोंकी था और वो बहुत ही ओल्ड मतलब बहुत ही बुढ़ा हो गया था, इसलिए जो फार्मर था उसने गुप्पू को बोला कि तुम अब पूरी दुनिया देख लो। फिर सेकेंड है कि वाई डिड गुप्पू डुप्पू एंड फेरी वेंट टू गो टू मुंबई, तो इसका आंसर रहेगा कि गुप्पू डुप्पू एंड फेरी वेंट टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशंस। ओके, फिर थर्ड है कि वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, तो इसका आंसर आएगा द पीपल इन द हाउस थ्रू दैट गोस्ट एंड कम टू स्कैर धैम सो दे रन अवे, क्योंकि उन लोगों को लगा कि यहाँ पे तो भूत आ गए हैं इसलिए वो लोग भागने लगे थे। ओके, तो यहाँ पे हमें रीडिंग इज फॉर मतलब क्वेश्चन आंसर जो हमने था वो लर्न देख लिया। फिर नेक्स्ट है कि लेट्स राइट, तो यहाँ पे हमें दिया है कि डू यू प्ले एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो यस कि आई, फिर आपको जो भी म्यूजिशियन या फिर कुछ भी बजाना आता है तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर सेकंड है इफ़ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न। ओके, तो ये जो दोनों आंसर है वो आपको खुद से लिखना है। ओके, वो आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है
कि एट द वर्ड ऑफ ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पे जो हमें पिंक वाला जो वर्ड्स दिए हैं उसके हमें अपोजिट यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है कि अंजू मदर, तो मदर का अपोजिट क्या होगा, फादर, तो फादर कम टू द स्कूल, तो अंजूस मदर एंड फादर कम टू द स्कूल, तो उसके मम्मी पापा स्कूल आए। फिर है माय अंकल, तो अंकल का अपोजिट क्या होता है, आंटी, तो माय अंकल एंड आंटी कम टू विजिट अस ऑन मंडे। फिर है द लायन एंड, तो लायन का अपोजिट क्या होगा, लायनेस, तो लायन एंड लायनेस लुक लविंग एट दैट कुक। फिर है द किंग, तो किंग का अपोजिट क्वीन, द किंग एंड क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल थॉर्न्स। फिर है द मैन, तो मैन का अपोजिट वुमन, द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग। फिर लास्ट है माय ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का अपोजिट ग्रैंड मदर, तो माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द मार्केट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें दिया है न्यूज़ प्लस पेपर, स्कूल प्लस बैग, टूथ प्लस पेस्ट, नेक प्लस लैग। तो हमें एग्जांपल दिया है कि न्यूज़ प्लस पेपर, तो इनमें से हमें ये जो बीच वाला है वो साइन है वो निकाल देना है और पूरा वर्ड्स बनाना है कि न्यूज़ पेपर, न्यूज़पेपर। तो सेकंड है स्कूल प्लस बैग, तो इनमें से हम ये साइन निकाल देंगे तो स्कूल बैग। ओके, तो हमें इन वर्ड्स को पूरा साथ में लिखना है कि स्कूल बैग, फिर टूथ पेस्ट, तो ये जो अलग अलग वर्ड हैं उसको हम साथ में लिखेंगे। ओके, तो वैसे ही आपको ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं, जो अलग अलग पार्ट में उसको हमें एक साथ करके पूरा वर्ड्स यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिया है। ओके, तो कुछ हमें डॉट्स में दिया है, तो ये आपको ट्रेस करके और ये पूरा आपको कंप्लीट करना है ताकि आपकी जो राइटिंग है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी एक्सरसाइज देख ली और हमने स्टोरी भी पढ़ ली, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 8 जिसकी स्टोरी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 9।